मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपने भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह तीन नेत्रों से सुशोभित है। भागवत, आपने रक्त बीज के पद से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का ये अद्भुत महात्म्य मुझे बताया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शत्रु समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्य पतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने क्षुद्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी में 8 चांद चढ़े थे खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाए, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर भी उसे भी मुंह से मारकर चूर कर दिया। तब उसने करा घुमाकर चंड के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदनंतर दैत्यराज निशुंभ को फंसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढक कर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रज्वलित किया। साथ ही अपने कंठे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदनंतर देवी अपनी दहाड़ से जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महारमत दूर हो जाता था आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछल कर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिव दूती ने दैत्यों के लिए अमंगल जनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रहे, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिरा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में कराले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल में हाथ लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली।
त्रिशूल से लीन हो जाने पर उसके हाथी से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड़क से जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। फिर तो अपने मन गिर पड़ा। तदनंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिव दूती ने भी अन्य अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विलीन होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्र पूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वाराही के थूथन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए।